आपको भी जानवर दिख रहे हैं। ये क्यों है इनके पीछे, ये फिल्म आपको देखनी पड़ेगी। स्टार स्टडेड स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म चिड़ियाखाना। जी जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सैड लग रहा है, बट इस मेरे कैरेक्टर का नाम सूरज है फिल्म में, और ये बिहार से आता है अपनी मम्मी के साथ। कुछ रीज़न्स हैं, वो अपना घर छोड़ के आया है मुंबई एक नए शहर में, नए लोगों के बीच, और इसे फुटबॉल से बेहद लगाव है, और उसी के बारे में फिल्म है, कैसे फुटबॉल और अपने स्पोर्ट्स के प्यार के थ्रू चीज़ें अचीव करते हैं अपनी लाइफ में। ये फिल्म कमाल की स्टैंड आउट होने वाली है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टीम। थैंक यू सो मच। एंड ऋत्विक, थैंक यू सर। हाँ यार, आपको भी जानवर दिख रहे हैं। बट ये क्यों है इनके पीछे, ये फिल्म आपको देखनी पड़ेगी, एंड 110% इज गोना गिव यू 100% एंटरटेनमेंट। फुल ऑन, चीयर्स गाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फुटबॉल, मेरे फेवरेट फुटबॉल प्लेयर हैं लियोनेल मेसी और रोनाल्डिनो। प्रशांत नारायणन का मैं दिल से फैन हूँ, और मर्डर 2 लोगों के लिए इनका इंट्रोडक्शन है, लेकिन उसके पहले हमने एक फिल्म की थी, बदकिस्मती से वो मीडिया तक नहीं आ पाई, लेकिन आज यार इतना कॉम्प्लेक्स मत दो आर्टिस्ट हो गए। चिड़ियाखाना टाइटल से मुझे बिल्कुल वो चिड़ियाखाना जैसा हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, बट नॉट एग्जैक्टली इट्स चिड़ियाखाना, इट्स मोर देन दैट। एक पॉलिटिशियन है, बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक, खाक सेल्फिश किस्म का पॉलिटिशियन है, भाव नाम है इसका, और इस तरह के कैरेक्टर्स हम आम जिंदगी में देखते ही हैं, मैं ना उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। ये ऐसे सेल्फिश कैरेक्टर्स होते हैं जो उनको इस बात से कोई परवाह नहीं होती कि उनकी सेल्फिश एक्टिविटीज से हमारे देश को, हमारे समाज को क्या नुकसान हो रहा है, हमारे आने वाली जनरेशन को क्या नुकसान हो रहा है, वो अपना काम करते हैं।